अरे ये बच्ची यहाँ पर बैठी बैठी क्यों रो रही है? चलो अच्छा जाकर के पूछते हैं। क्यों बेटा यहाँ पर अकेले बैठे क्यों रो रही हो? और नहीं है तुम्हारे साथ कोई? साहब जी मेरा आज दुनिया में कोई नहीं है, सब लोग मुझे अनाथ अनाथ कह के चिढ़ाते हैं। अरे बेटा बस रो मत, आज से तुम मेरे साथ रहना। तो साहब जी सच में क्या कोई मुझे आज से अनाथ तो नहीं कहेगा? नहीं बेटा आज से तुम्हें कोई अनाथ नहीं बोलेगा। चलो अच्छा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, चलो आ जाओ। अरे पूजा इधर देखो मैं अपने साथ किसको लाया हूँ, देखो ना ये मेरे साथ कौन है। अरे पर इस लड़की को आप कहाँ से लाए हो? ये है ना आज से हम लोगों के साथ ही रहेगी। क्या ये लड़की आज से हमारे साथ ही रहेगी? और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये रास्ते में बैठी बैठी रो रही थी और ये अनाथ लड़की है। तो मैंने अपने घर लाया, इसको ठीक किया ना? हाँ जी ठीक किया आपने। अरे बेटा पर मैंने आपसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं है, क्या है आपका नाम? साहब जी मेरा नाम पलक है। अरे आज से आप मुझे साहब जी नहीं बोलोगे, पापा बोलोगे। ठीक है पापा। और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और इसका अच्छे से ध्यान रखना, जो भी इसको खाना पीना हो इसको देना और अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ए लड़की इधर सुन, मुझे नहीं है पता कि मेरे पति तुझे कहाँ से उठा कर लाए हैं। अगर तुझे मेरे घर में रहना है तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। बोड़ रही है झाड़ू, उसको उठाओ जाके साफ सफाई कर। अरे शाम बेटा पहला खाना खा ले फिर पढ़ लेना। बस मम्मा मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। खाना खा रही है? अरे बेटा चुप हो जा, क्यों रो रही है, क्या हुआ? साहब जी आप तो मुझे वहीं छोड़ा जहाँ से आप मुझे लाए थे। अरे बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्यों किसी ने कुछ कहा है? साहब जी वो मैडम जी। लड़की इधर सुन, मुझे नहीं है पता कि मेरे पति तुझे कहाँ से उठा कर लाए हैं। अगर तुझे मेरे घर में रहना है तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। बोड़ रही है झाड़ू, उसको उठाओ जाके साफ सफाई कर। तुझे सब्जी भी चाहिए, खाना हो तो खा वरना यहाँ से जा। क्या मेरी बेटी पर इतना जुल्म किया? क्यों पूजा? क्या है जी? क्या मैं इसी के लिए लाया था इसको उठाकर यहाँ पर कि तुम उस पर ऐसा जुल्म करो? तुम एक औरत होकर के एक बच्ची का दर्द नहीं समझती हो? तुम्हें औरत कहने में मुझे शर्म लगती है। चलो जाओ निकल जाओ यहाँ पर मेरे घर से। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। देखा जिस बेटी पर तू इतना अत्याचार कर रही थी वही तेरे लिए क्या सोच रही है। दोस्तों हमें अमीर और गरीब बनाने वाला भगवान है, इसलिए दोस्तों हमें हमेशा दिल से अमीर होना चाहिए और गरीबों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को कमेंट में जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए।